अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 19 के साथ हाजिर हूं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये देखें, पहला वर्ड है बी ए एन, पन। बी को हमें पता है हम पी की तरह प्रोनाउंस करते हैं, पे की तरह, तो ये क्या है? पन, पन, पन। कैसे बोलेंगे? पन। और नेक्स्ट है जी ओ एन जी, गोंग, 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 गोंग। और नेक्स्ट है एस एच आई, शिर, शिर, शिर। तो ये क्या बन गया इकट्ठा सारा? पन गोंग शिर, पन गोंग शिर, पन गोंग शिर। और इसका मतलब क्या है? ऑफिस यानी दफ्तर। पन गोंग शिर मतलब ऑफिस, पन गोंग शिर। तो इसी तरह हमारे पास वर्ड है लाओ पन। लाओ मतलब ओल्ड, पन हमने पन गोंगशिर से लिया, तो ये क्या बन गया? लाओ पन, लाओ पन। इसका मतलब है बॉस, ठीक है? बॉस को क्या कहते हैं? लाओ पन। तो एग्जांपल देखते हैं। ये पूछता है जी इससे, नी जाए नार, तुम कहां हो? तो ये रिप्लाई करेगा इसे, वह जाए पन गोंगशिर, मैं ऑफिस में हूं, ठीक है? वह जाए पन गोंगशिर, मैं ऑफिस में हूं। ये पूछता है नी शिर शई, तुम कौन हो? ये रिप्लाई करेगा वाशिर लाओपन, मैं बॉस हूं, वाशिर लाओपन, ठीक है? अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ये देखें डी ए एन, इसको कैसे बोलेंगे? तन, ठीक है? इसे रन बोलते हैं, इसी तरह तन। डी को चाइनीज में ते की तरह बोला जाता है, तो ये क्या है? तन, एस एच आई, शिर। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा तन शिर, तन शिर। और इसका मतलब है बट, लेकिन, ताहम, हाउएवर, ठीक है? लेकिन, बट, हाउएवर, ताहम के लिए हम क्या यूज करेंगे? तन शिर, तन शिर मतलब बट, तन शिर, तन शिर। एग्जाम्पल देखते हैं। ये बंदा इससे क्वेश्चन करता है नी शिर लाओपन मा, क्या तुम बॉस हो? नी शिर तुम हो, लाओपन बॉस मा क्या? तो ये जवाब देता है वपू शिर लाओपन, मैं बॉस नहीं हूं। तन शिर बल्कि, लेकिन, मगर, वाशिर शोशंग, मैं स्टूडेंट हूं। दोबारा देखते हैं, इसने क्वेश्चन किया नी शिर लाओपन मा, क्या तुम बॉस हो? इसने जवाब दिया वपू शिर लाओपन, मैं बॉस नहीं हूं। तन शिर बल्कि, मगर, वाशिर शोशंग, मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है? उसके बाद ये देखें, हमने देखा था वाई आई एन ई, ठीक है? वाई आई यानी ई, ई मतलब वन। तो इसी से एक वर्ड बना है वाई आई एन, इन, ठीक है? इसे कैसे बोलेंगे? इन, इन, जिस तरह इंग्लिश में बोलते हैं अंदर को, इन। इसी तरह W-I-W-E-I, वे, वे, जिस तरह वे इंग्लिश में बोला जाता है रास्ता, इसी तरह ये वे मतलब रास्ता नहीं है, वैसे बोला जाता है, ठीक है? वे। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? इन वे, इन वे। और इसका मतलब है बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि, बिकॉज, ठीक है? इन वे कैसे बोलेंगे? इन वे। एग्जाम्पल, जोथियन कल, गुजरा हुआ कल, वपू लाए शोशाओ, मैं स्कूल नहीं आया था। इन वे क्योंकि, वदशंती पूहाओ, मेरी सेहत ठीक नहीं थी। क्या मतलब हो गया? कल मैं स्कूल नहीं आया था क्योंकि मेरी सेहत अच्छी नहीं थी। जोथियन वपू लाए शोशाओ, कल मैं स्कूल नहीं आया था। इन वे क्योंकि, बिकॉज, वादशन थी, मेरी सेहत पूहाओ अच्छी नहीं थी, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम ई आई, मे, एल ई एल आई, ली। क्या है वर्ड? मे ली, मे ली। और इसका मतलब है प्रिटी, प्रिटी, मे ली, प्रिटी। दोस्तों इसमें आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो मेली है इसका मतलब प्रिटी है, लेकिन ये सिर्फ ब्यूटीफुल या प्रिटी, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए यूज होगा,
यानी फीमेल के अलावा किसी के अगर आपने किसी को की तारीफ करनी है या कुछ उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ फीमेल यानी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए इसे हम इस्तेमाल करेंगे। मेली इसका मतलब है प्रिटी, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ठीक है। एग्जाम्पल नीलम मेली, नीलम खूबसूरत है, नीलम इज प्रिटी, ये एडजेक्टिव है इसलिए यहां पे शेर नहीं लगा, मेली एक एडजेक्टिव है। नीलम मेली, अली एली मेली, अली मेली ये रॉन्ग है क्योंकि अली मेल है, ठीक है। सारा मेली, सारा खूबसूरत है तो ये ट्रू मतलब के दुरुस्त है क्योंकि फीमेल के लिए इसे यूज करेंगे। इसी तरह ये देखिए हमारे पास है था ये पू मेली, वो भी खूबसूरत नहीं है, यानी शी इज आल्सो नॉट ब्यूटीफुल, शी के लिए हम फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं, था ये पू मेली, ठीक है, मेली यानी प्रिटी और फीमेल के लिए यूज करना है। उसके बाद है जी हमारे पास पी आई ए ओ फ्याओ, नेक्स्ट वर्ड है ये फ्याओ, इसे कैसे बोलेंगे, फ्याओ फ्याओ, जैसे बोलते हैं ना फ्योनिया इसी तरह फ्याओ, और एल आई ए एन जी लियांग लियांग लियांग, ठीक है, ये फ्याओ और ये लियांग, अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, फ्याओ लियांग फ्याओ लियांग फ्याओ लियांग, और इसका मतलब भी ब्यूटीफुल है। और ये जो ब्यूटीफुल है ये सिर्फ अगर आपने नॉन लिविंग चीजों की अगर आपने उनकी तारीफ करनी है तो उसके लिए यूज करेंगे, मतलब किसी का नाम, कोई चीज, पेन, किताब वगैरह, ये छोटे बच्चों के लिए भी आप फ्याओ लियांग यूज कर सकते हैं, लेकिन न मेल के लिए, मर्द के लिए और ना औरत के लिए आप इसे यूज नहीं करेंगे, ज्यादातर इसे नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं या जानवरों के लिए, ठीक है। तो फ्याओ लियांग मतलब ब्यूटीफुल, ना मेल के लिए यूज करेंगे ना फीमेल के लिए, छोटे बच्चे चीजें वगैरह कोई भी, ठीक है, उनके लिए। वादा पी फ्याओ लियांग, मेरा कलम खूबसूरत है, माई पेन इज ब्यूटीफुल, फ्याओ लियांग भी एक एडजेक्टिव है इसलिए शेर नहीं लगा, माई पेन इज ब्यूटीफुल, वादा पी फ्याओ लियांग। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में बहुत ही आसान था, बस आपकी प्रैक्टिस, आप अगर सीखना चाहते हैं इसे चाइनीज को तो आप बस प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको चाइनीज आ जाएगी, बहुत ही आसान है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक शेयर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।